हेलो गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका और आज मैं आपके लिए जो स्टोरी लेकर आई हूँ वो एक बहुत ही मिस्टीरियस और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी काफी पसंद आने वाली है। तो ये कहानी है 27 मई 1995 की, जबकि एक ट्रक ड्राइवर जिसका नाम था डेविन विलियम्स, वो अपने ट्रक पर सवार होकर अपनी यात्रा पर था। वो एक बहुत ही बड़ा सेमी ट्रेलर चलाता था, यानी कि करीब 48 फीट लंबा उसका ये ट्रक था। और ये ट्रक रेफ्रिजरेटेड था, यानी कि ऐसा ट्रक जिसमें जो खाना या कोई भी सामान होता है वो ठंडा रहता है। तो जनरली इस तरह के जो ट्रक्स होते हैं उसमें सब्जियां वगैरह ट्रांसपोर्ट की जाती हैं। तो इस तरह का एक बहुत लंबा ट्रक वो चला रहा था और फिलहाल उसको रास्ते में एक स्टॉप लेना था। वो एक सिटी में रुका जिसका नाम था किंगमैन, एरिजोना। यहाँ पर यानी कि यूएसए में ट्रक पार्क्स होते हैं, यानी कि अगर कोई अपना ट्रक लेकर आ रहा है तो वो इन पार्क्स में आकर रुक सकता है। यहाँ पर अपने ट्रक को पार्किंग में लगाकर उसमें सो सकता है। इसके अलावा वहां पर वॉशरूम वगैरह की भी व्यवस्था होती है, अगर किसी को नहाना है वो नहा ले, ब्रश वगैरह करना है तो ब्रश कर ले, और उसके बाद आराम से वो अपने ट्रक में जाकर सो जाए। और वहां पर सेफ्टी भी रहती है, ऐसा नहीं है कि आपको कोई लूट लेगा। तो वो इसी तरह के एक ट्रक पार्क में रुक गया था। वो उतरा, उसने अपना स्लीपिंग बैग निकाला। उसने ये सोचा था कि मैं थोड़ा फ्रेश होने के बाद अपने स्लीपिंग बैग में जाकर सो जाऊंगा। ये जो ट्रक्स होते हैं उसमें पीछे पैसेंजर सीट होती है, जैसा कि जनरली मैंने अपने यहाँ के ट्रक्स में भी देखा है कि आगे ड्राइविंग सीट होती है, उसके पीछे एक पैसेंजर सीट होती है जिसमें ट्रक ड्राइवर्स वगैरह सो सकते हैं। तो इसी तरह की एक पैसेंजर सीट उसके ट्रक में भी थी। जनरली डेविन सोने से पहले ब्रश करके आता था, कई बार नहा लेता था, लेकिन उस दिन वो इतना ज्यादा एग्जॉस्टेड था कि उसने डिसाइड किया कि मैं कुछ भी करने वाला नहीं हूँ, बस मैं सीधे सो जाऊंगा। लेकिन आपने सुना होगा कि कई बार इतना ज्यादा इंसान थक जाता है कि उसे नींद भी नहीं आती। उसने फिलहाल अपने स्लीपिंग बैग को खोल लिया था, वो उस स्लीपिंग बैग में जाकर लेट गया था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको नींद ही नहीं आ रही थी। डेविन पिछले 4 दिनों से लगातार लगभग नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहा था। हालांकि बीच बीच में उसने ब्रेक लिए थे, थोड़ा बहुत सोया भी था, लेकिन एक तरह से इसकी ये जर्नी नॉन स्टॉप रही थी। बस अब डेविन ये चाहता था कि किसी भी तरीके से ये जर्नी खत्म हो। वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। वो अपने घर वापस जाना चाहता था, अपनी वाइफ मैरी के पास और उसके 3 बच्चों के पास। इसकी फैमिली अमेरिका के एक छोटे से टाउन जिसका नाम था अमेरिकस और जो कैंसस में था वहां पर रहा करती थी। डेविन को अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा प्यार था, उसको बिल्कुल भी अपनी फैमिली से दूर जाना पसंद नहीं था, स्पेशली इतनी लंबी जर्नी में जाना उसे पसंद नहीं था। लेकिन इस बार उसको ये लंबा काम मिल गया था, उसको जाना पड़ा। और वैसे भी अगर आप ट्रक ड्राइवर हो तो आपको इस तरह के रूट्स पर जाना ही पड़ता है। उसे अपना ट्रक ड्राइविंग का ये काम भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसको पैसे की जरूरत थी। इस काम में बहुत अच्छा पैसा था। उसने और उसकी वाइफ ने मिलकर अभी हाल ही में एक नया घर खरीदा था, लेकिन ये जो घर था इसमें बहुत सारे रिपेयर्स की जरूरत थी, और तभी इस घर में ये लोग आराम से रह सकते थे। और उसके लिए उसको पैसा कमाना था। फिलहाल जो डेविन था अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था और बस यही प्रार्थना कर रहा था कि जल्दी से जल्दी ये काम खत्म हो और मैं वापस जाऊं। तो फिलहाल वो स्लीपर कैब में लेटा हुआ है, अपनी स्लीपिंग बैग के अंदर सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों उसे नींद ही नहीं आ रही थी। शायद वो बहुत ज्यादा थक गया था। अब डेविन जानता था कि अगर वो आज की रात नहीं सोएगा तो उसको बाद में थोड़ी देर बाद दूसरा ब्रेक लेना पड़ेगा, और वो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहता था, लेकिन ये बहुत जरूरी होता। उसको रेस्ट करने की भी जरूरत थी। वो लगातार ड्राइव नहीं कर सकता था, और अगर वो दूसरा एडिशनल ब्रेक लेता तो उसका और ज्यादा टाइम वेस्ट होता। और उसको ये डर था कि मुझे मंडे मॉर्निंग को, क्योंकि इस कंसाइनमेंट को पहुंचाना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं लेट हो जाऊं। जिस रात की मैं बात कर रही हूं वो एक सैटरडे नाइट थी। डेविन के ट्रक में बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज और लेटस लदा हुआ था। अब डेविन अपने दिमाग में मैथ्स करने लगा। वो ये अंदाजा लगाने लगा कि जो बचे हुए 2100 किलोमीटर्स हैं, जो 2100 किलोमीटर्स की जर्नी बाकी है, क्या वो उन्हें 2 दिन में पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, क्योंकि सैटरडे नाइट हो चुकी थी और मंडे मॉर्निंग को उसे पहुंचना था। तो देखा जाए तो 2 दिन भी पूरी तरह से बाकी नहीं थे। फिर वो सोचने लगा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। अगर मैं एक छोटा सा ब्रेक और लेता हूं तब भी मैं वहां पर पहुंच जाऊंगा, मुझे लेट नहीं होगा। अगर मैं आपको डेविन के बारे में बताऊं तो डेविन की उम्र थी करीब 29 ईयर्स। वो एक बहुत ही इजी गोइंग व्यक्ति था, बहुत सीधा साधा व्यक्ति था, बहुत अच्छे नेचर का इंसान था। जनरली ये माना जाता है कि जितने भी ट्रकर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रफ एंड टफ होते हैं,
जब वो सामान लेकर निकलते हैं तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो जो ट्रकर्स होते हैं बहुत ही कम होते हैं, और यहाँ तक कि कुछ ट्रकर्स ड्रग्स वगैरह भी लेते हैं ताकि वो जगे रहें, क्योंकि उनको अपनी डेडलाइंस को हिट करना ही होता है, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। डेविन भी कुछ इसी तरीके का इंसान दिखता था, काफी रफ एंड टफ वो देखने में लगता था। वो काफी लंबा चौड़ा था, काउबॉय हैट्स पहनता था, इसके अलावा लंबी लंबी बड़ी मूछें रखी हुई थी, टैटूज थे उसकी बॉडी पर, तो ऐसा लगता था कि वो एक बहुत ही ज्यादा रफ एंड टफ इंसान है। लेकिन जैसा वो दिखता था उसका नेचर उससे बिल्कुल अलग था। वो एक जेंटल जायंट था और हमेशा वो अपने बच्चों के बारे में और अपनी फैमिली के बारे में बात करता था। वो अपनी फैमिली के प्रति पूरी तरह से डिवोटेड था। अब फिलहाल डेविन वहां पर लेटा हुआ है स्लीपिंग बैग के अंदर, लगातार वो पलट रहा है, कभी इस करवट कभी उस करवट, लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। और ये सोचकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है कि अगर मुझे नींद नहीं आएगी तो मुझे एक बार फिर से ब्रेक लेना पड़ेगा। अब उसका जो गुस्सा था वो बढ़ता जा रहा था, वो अपनी फैमिली से मिलना चाह रहा था, उनके पास वापस जाना चाह रहा था, लेकिन जितनी ज्यादा वो अभी लेट करता उतना ही ज्यादा उसे लौटने में टाइम लग जाने वाला था। अब उसने एक तरफ अपना स्लीपिंग बैग फेंका, वहां से उठा, उसके बाद उस ट्रक पार्किंग में बने हुए बाथरूम को यूज करने के लिए वो एक बार फिर से गया। वहां पर जाने के बाद उसने लैंडलाइन से अपने बॉस को फोन किया, क्योंकि उस समय लैंडलाइन ही होती थी। उसने अपने बॉस को बताया कि अभी मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ, मैं सोने की कोशिश कर रहा था लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नींद नहीं आ रही है, इसलिए मैं दोबारा से अपनी जर्नी शुरू कर रहा हूँ, लेकिन आप चिंता मत करना, अगर मैंने एक बार फिर से ब्रेक लिया भी तो भी मैं मंडे मॉर्निंग को ये सारा का सारा कंसाइनमेंट पहुंचा दूंगा, मैं कैंसस सिटी टाइम पर पहुंच जाऊंगा। इसके बाद डेविन ने वहां पर मौजूद दुकान से थोड़ी सी चीजें लेकर खाई, उसके बाद वो वापस अपने ट्रक पर चढ़ा और एक बार फिर से उसने अपने ट्रक की जर्नी शुरू कर दी, हाईवे पर अपना ट्रक चलाना शुरू कर दिया। अब जो डेविन का बॉस था वो एक आदमी था जिसका नाम था टॉम विल्सन। उसको इस कॉल में कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। हालांकि ये अपने आप में एक अजीब सी बात थी कि डेविन अपने बॉस को फोन करके ये सारी चीजें बता रहा है कि उसको नींद नहीं आ रही है, और ऐसा जनरली वो करता नहीं था, लेकिन फिर भी टॉम को कुछ भी अनयूजुअल नहीं लगा। उसे लगा कि ठीक है, इसे नींद नहीं आ रही तो इसने मुझे फोन कर दिया होगा। टॉम को इस कॉल के बाद भी कोई चिंता नहीं हुई कि जो डेविन है वो टाइम पर पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। डेविन उसका एक सबसे ज्यादा रिलायबल गाय था, उसको उस पर पूरा विश्वास था। अगर डेविन ने कहा था कि वो पहुंच जाएगा तो इसका मतलब है कि वो पहुंच जाएगा। उसने कभी भी अपने काम में कोई भी गड़बड़ नहीं की थी। अब ये सारी चीजें हो गई, अब मंडे मॉर्निंग आई, लेकिन मंडे मॉर्निंग को जिस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में इस ट्रक को पहुंचना था वहां पर डेविन और उसका ट्रक पहुंचे ही नहीं। वहां जाने के बाद इन्हें उस लेटस और स्ट्रॉबेरीज को वहां पर ड्रॉप करना था और उसके बाद वो वहां से निकल जाने वाला था। अब ये जो सेंटर था इसने तुरंत ही टॉम विल्सन को फोन किया, उन्होंने कहा कि तुम्हारा ड्राइवर अभी तक यहाँ आया नहीं है और वो कहाँ पर है, हमें इंफॉर्मेशन दो। अब जब पहले टॉम के पास ये फोन आया तो वो बहुत ज्यादा एनॉइड हो गया। उसे लगा कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है वो ओवररिएक्ट कर रहा है, अभी तो थोड़ा सा ही समय ऊपर हुआ है, अभी ऐसा भी नहीं है कि डेडलाइन खत्म हो गई, अभी तो वहां पर ट्रक्स आ ही रहे हैं, डेविन भी जल्दी वहां पर पहुंच जाएगा, पता नहीं क्यों मुझे फोन कर रहे हैं। यही सारी बातें टॉम ने उस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर को भी कह दी कि वो पहुंचने ही वाला होगा। उन्होंने कहा कि ठीक है, हम थोड़ी देर और इंतजार कर लेते हैं। इसके बाद 1 घंटा और बीत गया, अभी भी डेविन वहां पर पहुंचा नहीं था। तो अब डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ने एक बार फिर से टॉम को कॉल बैक किया और कहा कि वो यहाँ पर नहीं पहुंचा है, आप देखिए वो कहाँ पर है। अब जब ये सेकंड कॉल आई तब टॉम थोड़ा सा परेशान होने लगा। अब वो थोड़ी चिंता करने लगा था डेविन के बारे में और ट्रक के बारे में भी। उसने डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से कहा कि ठीक है, मैं पता लगाता हूँ और फिर तुम्हें जल्दी ही बताऊंगा। अब उस समय मोबाइल फोन्स तो होते नहीं थे कि टॉम तुरंत ही उसको फोन करता और पूछ लेता कि तुम कहाँ हो। अब टॉम को इंतजार करना था कि या तो डेविन उसको फोन करे, और इसकी संभावना फिलहाल लग नहीं रही थी और वैसे भी उसको अब बेचैनी हो रही थी। तो उसने अपने बाकी ट्रक ड्राइवर्स को संपर्क करने की कोशिश की जो कि बाहर निकले हुए थे, वो भी अपना कंसाइनमेंट पहुंचाने गए हुए थे, उनसे किसी तरह कांटेक्ट करने की कोशिश की। अगर किसी का भी फोन आ रहा था तो उनसे पूछ रहा था कि तुम्हें डेविन के बारे में कुछ खबर है या नहीं है, लेकिन किसी को भी डेविन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। टॉम सारा दिन डेविन के फोन का इंतजार करता रहा, अपने फोन के पास ही बैठा रहा, लेकिन किसी को भी कोई आइडिया ही नहीं लग रहा था कि आखिर डेविन गया कहाँ। उस दिन टॉम को एक फोन भी आया, लेकिन वो डेविन का नहीं था बल्कि उसकी वाइफ मैरी का था। वो भी थोड़ी सी बेचैन थी, उससे पूछने के लिए फोन किया था कि आखिर डेविन कहाँ है। उसने अपनी वाइफ से भी कोई भी कॉन्टेक्ट नहीं किया था।
अब टॉम ने मैरी को बताया कि उसने हमसे भी कोई संपर्क नहीं किया है और हम भी काफी परेशान हैं। अब क्योंकि ये डेडलाइन मिस कर गया था डेविन, तो अब उसकी वाइफ और उसका बॉस दोनों ही पैनिक करने लगे। उन्होंने तुरंत ही पुलिस को फोन किया। थोड़ी देर बाद ही एक पुलिस ऑफिसर वहां पर आया, यानी कि मैरी के घर पर आया। उन्होंने तुरंत ही मिसिंग पर्सन कंप्लेंट लिख ली और अब उनका काम था डेविन को ढूंढना। पुलिस ऑफिसर्स ने मैरी को समझाया कि आप चिंता मत करो, हम उसे ढूंढ लेंगे। उन्होंने मैरी को यह कहा कि अब हम जितने भी डिफरेंट पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि रास्ते में पड़ते हैं, जितने ही पुलिस स्टेशन हैं, उन सबको संपर्क करेंगे, उनको बताएंगे इस मिसिंग कंप्लेंट के बारे में। उनसे पूछा जाएगा कि क्या आपने इस ट्रक को देखा है, जिस जिस रूट से इसका ट्रक गुजरा होगा हर जगह पूछताछ होगी और किसी ना किसी ने डेविन को देखा होगा। हो सकता है डेविन का ट्रक खराब हो गया हो, अगर हो सकता है उसका कोई एक्सीडेंट हो गया हो, उसके आसपास कोई फोन ना हो, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए अब हम उसका पता लगाएंगे, आप चिंता मत करो। अब क्योंकि डेविन के बारे में हर जगह रिपोर्ट कर दी गई थी, तो सबसे पहले इनके पास, यानी कि शेरिफ डिपार्टमेंट के पास जो कॉल आई, वो आई कोकोनिनो काउंटी एरिजोना से। ये वही जगह थी जिसके पास के एक ट्रक पार्क में डेविन रुका हुआ था, जहां पर उसने अपने सैटरडे नाइट में सोने की कोशिश की थी लेकिन सो नहीं पाया था। वहां से उसने अपने बॉस को फोन करके बताया था कि मैं दोबारा से जर्नी पर निकल रहा हूँ। अब कोकोनिनो काउंटी की पुलिस को पता था कि डेविन का ट्रक कहाँ है। देखा जाए तो वहां पर मौजूद बहुत सारे लोगों को उस ट्रक के बारे में पता था, क्योंकि उस ट्रक ने बहुत ज्यादा हंगामा मचाया हुआ था। एक्चुअली संडे को, यानी कि सैटरडे नाइट को डेविन सोने के लिए वहां पर रुका था, उसके अगले दिन संडे को डेविन का ट्रक जगह जगह देखा गया था। वो बहुत ही लापरवाही से अपना ट्रक चलाता हुआ देखा गया था। बहुत सारे हाइकर्स उसे देखकर घबरा गए थे, बहुत सारे कैंपर्स घबरा गए थे, क्योंकि ये जो ट्रक था ये टोंटो नेशनल फॉरेस्ट के अंदर मौजूद था। अब ये जो टोंटो नेशनल फॉरेस्ट है, ये एक करीब 6 लाख एकड़ का एरिया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा जंगल मौजूद है और वो एक प्रिजर्व है। यहाँ पर इस तरह की चौड़ी सड़कें नहीं बनाई गई हैं। यहाँ की जो सड़कें हैं वो काफी ज्यादा पतली हैं, इतनी पतली जिनमें से एक कार को ले जाना ही बहुत मुश्किल है। तो यहाँ पर इतना लंबा चौड़ा एक ट्रक घुसाना एक तरह से इम्पॉसिबल बात है। अगर आप यहाँ पर एक ट्रक को घुसा दोगे, जबरदस्ती वहां पर चलाओगे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहां पर कोई भी ट्रकिंग रूट है ही नहीं। और वैसे भी ये जो रूट था, यानी कि इस नेशनल फॉरेस्ट का जो रूट था, ये डेविन के नॉर्मल रूट से, जिससे उसे जाना था, उससे काफी हटकर था। यानी कि करीब 30-35 किलोमीटर्स वो अपने रास्ते से हटा हुआ था। तो इसका ट्रक यहाँ फॉरेस्ट के अंदर मौजूद था, उसको ऐसी सड़कों पर चलाया गया था जो कि बहुत ही नैरो थी और केवल मिट्टी की बनी हुई थी। अपने बॉस को कॉल करने के करीब 8 घंटों के बाद संडे मॉर्निंग को दो हाइकर्स, जिनका नाम था लिन और जैक, वो इसी नेशनल फॉरेस्ट में मौजूद थे। उन्होंने वहां पर टेंट लगाया हुआ था, रोड से थोड़ा सा अंदर हटके उन्होंने वो टेंट लगाया था, और उनके टेंट से उनको पूरा सड़क का कर्व दिखाई देता था, यानी कि काफी अच्छी खासी सड़क दूर तक दिखाई देती थी। तो इस टोंटो नेशनल फॉरेस्ट के अंदर वो मौजूद थे, वो वहां पर बहुत ज़रा इंजॉय कर रहे थे। ये जो जगह थी बहुत ज़रा पीसफुल थी, वहां पर बहुत ज़रा शांति थी, वहां पर बहुत ज़रा गाड़ियां वगैरह नहीं आती थी। तो इस टेंट के अंदर और बाहर ये लोग आ जा रहे थे, खाना वगैरह बना रहे थे, और बस उनकी एक नॉर्मल संडे मॉर्निंग चल रही थी। लेकिन तभी अचानक से उन्होंने एक बहुत ही तेज आवाज सुनी। वो एक इंजन की तेज आवाज थी जो कि सड़क के एक कोने से आ रही थी। अब इन लोगों ने बाहर जाकर देखा, थोड़ा सा नजदीक जाकर देखने की कोशिश की कि आखिर क्या है, यानी अपने टेंट से निकलकर वो सड़क की ओर देखने लगे। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने पाया कि एक बहुत बड़ा धूल का बादल उन्हीं के डायरेक्शन में चला आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि बस वो एक धूल का बादल है और उससे आवाज आ रही है, और वहां पर बहुत ज्यादा धुआं भी मौजूद था। लेकिन तभी उसी स्मोक के अंदर से एक बहुत बड़ा ट्रक निकला। वो ट्रक बहुत तेजी से कोई चला रहा था, जबकि वो कच्ची सड़क थी, फिर भी वो फुल स्पीड में उस ट्रक को चला रहा था। और जो जैक और लिन थे उन्हें बहुत आश्चर्य हो रहा था कि पहले तो ये ट्रक यहाँ आ कहाँ से गया, वो भी इतना लंबा चौड़ा ट्रक, पता नहीं कौन इसको यहाँ घुसा लाया है। शायद जो ड्राइवर है वो अपना रास्ता भूल गया है, शायद वो इस फॉरेस्ट में घुस आया होगा और अब उसको इस ट्रक को मोड़ने की जगह नहीं मिल रही होगी। बस उनको यही एक लॉजिक समझ में आया, क्योंकि अगर कोई इस ट्रक को इस फॉरेस्ट में ले भी आता तो उसको मोड़ना काफी मुश्किल काम था। तो इन्हें लग रहा था कि शायद ये किसी
यू टर्न का इंतजार कर रहा है या किसी चौड़ी जगह का इंतजार कर रहा है जहां से ये अपना ट्रक मोड़ेगा। अब इसी के बारे में ये लोग बात करते रहे, ट्रक वहां से गुजर गया, अपने काम में लग गए। वो लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे, थोड़ी देर बाद वो इस बारे में भूल गए। लेकिन अचानक ही उन्होंने पाया कि फिर से बहुत तेज आवाज होने लगी है। सिर्फ 5 मिनट बाद ही उन्हें ये दोबारा से आवाजें आने लगी। फिर से उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा धूल का बादल आ रहा है, स्मोक का बादल आ रहा है, और एक बार फिर से वही ट्रक उनको नजर आया। वो डेविन का ही ट्रक था और वापस ये बाहर के डायरेक्शन में जा रहा था। अब इन लोगों को लगा कि शायद इसको कोई जगह मिल गई होगी जहां से उसने ट्रक को रिवर्स कर लिया होगा और अब ये वापस जा रहा है। लेकिन ये बिल्कुल फुल स्पीड में अभी भी चल रहा था। अब ये देखकर इन्हें काफी अजीब तो लगा, लेकिन इन्हें लग रहा था कि इनका शक ठीक ही था। अब ये लोग आपस में हंसने लगे कि किस तरह से ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, जो भी है, अपने काम में लग गए। लेकिन तभी अचानक उन्हें एक बार फिर से उसी ट्रक की आवाज आई। इन्होंने पाया कि वो ट्रक एक बार फिर से वापस आ रहा है, और ये लोग जब बाहर निकल के उस ट्रक को देखने लगे कि आखिर प्रॉब्लम क्यों है, बार बार ये ट्रक यहाँ पर क्यों आ रहा है, तब उन्होंने पाया कि जिस सड़क पर डेविन का ट्रक फुल स्पीड से चला आ रहा था, अभी वो दूरी पर था, वहीं पर उस रोड का मोड़ भी दिखता था, और मोड़ के दूसरी ओर से एक सिडान चलती हुई आ रही थी, एक छोटी सी कार चलती हुई आ रही थी। वो बिल्कुल उसी रोड पर थी, और क्योंकि बीच में अंधा मोड़ था तो ना तो सिडान के ड्राइवर को दिख रहा था कि दूसरी तरफ ट्रक है, और ना ही ट्रक के ड्राइवर को वो सिडान नजर आने वाली थी। तो अगर ये लोग इसी स्पीड से चलते रहते तो इन दोनों की टक्कर होना बिल्कुल निश्चित थी। अब जैक और लिन बहुत ज्यादा घबरा गए। ये लोग कूद कर सड़क की तरफ दौड़े, जोर जोर से चिल्लाने लगे कि गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। लेकिन जो ट्रक ड्राइवर था उसने बिल्कुल भी अपनी गाड़ी स्लो नहीं की। पता नहीं उसने इनको देखा या नहीं देखा, लेकिन जो सिडान का ड्राइवर था उस मोड़ के दूसरी तरफ, उसने देख लिया था कि जैक और लिन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद कुछ ना कुछ खतरा है। अब उसको ऐसा लगा कि शायद दूसरी तरफ से कोई गाड़ी आ रही है, शायद कोई बड़ी गाड़ी आ सकती है। तो उसने तुरंत ही सिडान को रोक लिया, और अब वो इंतजार करने लगा कि दूसरी तरफ से अगर कोई आ रहा है तो मैं उसको रास्ता दे दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि मोड़ से तो एक बहुत लंबा चौड़ा ट्रक बिल्कुल फुल स्पीड से उसकी तरफ आ रहा है, तो पहले तो उसने अपनी गाड़ी रिवर्स में करने की कोशिश की, पीछे भगाने की, कि वो जो ट्रक ड्राइवर है तुरंत ही अभी गाड़ी रोक देगा। लेकिन उसने देखा कि ट्रक ड्राइवर का ऐसा कोई इरादा नहीं है, जबकि उसे कार दिख चुकी थी। तब उसने तुरंत ही अपनी कार को काटा और साइड में जो झाड़ियां थी उसमें अपनी गाड़ी को तुरंत ही उतार लिया, और बिल्कुल कुछ सेकंड से ही वो इस टक्कर से बच गया। ट्रक ड्राइवर उसे पास करता हुआ अपना ट्रक दौड़ाकर दूसरी दिशा में ले गया। उसने कोई परवाह नहीं की कि अभी अभी एक टक्कर होती हुई बची है। अब जो सिडान का ड्राइवर था वो अपनी कार से उतरा, उसके पास जैक और लिन पहुंचे दौड़ते हुए। उन्होंने देखा कि हाँ वो ठीक है, उसकी गाड़ी ठीक है, वो उससे बात करने लगे। और तब इन लोगों ने उससे पूछा कि क्या तुमने ट्रक ड्राइवर को देखा, तो उसने बताया कि हाँ मैंने अच्छी तरीके से उस ट्रक ड्राइवर को देखा जब वो मेरे बगल से गुजर रहा था। उसने बताया कि वो जो ड्राइवर था उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, दोनों हाथों से उसने स्टीयरिंग व्हील मजबूती से पकड़ा हुआ था और बिल्कुल सामने की तरफ देख रहा था, उसने मेरी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। पता नहीं वो कैसे ट्रक चला रहा था, पता नहीं वो मन में क्या सोच रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वो बहुत ज्यादा एबनॉर्मल लग रहा था। अब जिस जगह पर इन्होंने इस ट्रक ड्राइवर को देखा था उससे थोड़ी दूरी पर ही टोरंटो नेशनल फॉरेस्ट में ही एक फैमिली हाइक करने के लिए आई हुई थी। ये लोग यहाँ पर एक बहुत सुंदर से खुले मैदान में पहुंचे थे, वो एक बड़ा सा ओपन मैडो था, और यहाँ पर ये लोग चाहते थे कि हम लोग पिकनिक मनाएं, तो अपना खाना वगैरह लेकर आए थे। तो अब ये लोग वहां पर बैठ गए थे, वहां पर इंजॉय कर रहे थे, गेम्स वगैरह खेल रहे थे उनके बच्चे। अभी वो लोग यहाँ पर पहुंचे ही थे, इधर उधर देख ही रहे थे कि उन्होंने पाया कि इस फील्ड के बीच में एक ट्रक खड़ा हुआ है। ये देखकर उन लोगों को बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ कि ये ट्रक यहाँ पर कैसे आ गया, ट्रक तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता है। फिर इन बच्चों के फादर ने डिसाइड किया कि मैं जाकर इस ट्रक वाले से मिलता हूँ, पूछता हूँ कि ट्रक के साथ क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है उसे कुछ हेल्प की जरूरत हो। तो उसने अपनी फैमिली को वहीं पर छोड़ा कि तुम इंजॉय करो, मैं अभी आता हूँ। उसने देख लिया था कि उस ट्रक के पास ही नीचे उतरकर एक आदमी ट्रक के पास खड़ा हुआ है। वो उस व्यक्ति की सिर्फ पीठ को देख पा रहा था, वो अपने ट्रक को खड़ा होकर देख रहा था। उसे देखकर इस फैमिली को यही लगा था कि शायद ट्रक में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई है, शायद ये गलती से इस मैडो में पहुंच गया है, और शायद ये ट्रक यहाँ पर फंस चुका है। अब जब वो व्यक्ति इस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंचा तो उसने साफ साफ देखा कि वो जो ट्रक था वो कीचड़ में फंस चुका था, और जो ड्राइवर था वो अकेला था, और शायद इसी कारण से वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अब जब वो उस ड्राइवर के काफी पास पहुंच गए, लेकिन हालांकि अभी भी उनके बीच में दूरी थी, तब उस फादर ने, यानी कि उस इंसान ने चिल्लाकर कहा कि तुम्हें कुछ हेल्प की जरूरत है क्या।
साथ ही ये भी कहा कि मेरे पास गाड़ी है, हम लोग वापस जाकर किसी को फोन कर सकते हैं, तुम किसी व्यक्ति को बुला सकते हो और मदद यहाँ पर मंगवा सकते हो। लेकिन ये जो ट्रक ड्राइवर था, इसने अभी भी पीछे मुड़कर उस व्यक्ति को नहीं देखा, वो वहीं पर मोशनलेस खड़ा रहा। वो बस एक तरफ देख रहा था, पता नहीं वो अपने ट्रक को देख रहा था या माउंटेन्स को देख रहा था, किसको देख रहा था, लेकिन वो बिल्कुल भी हिल भी नहीं रहा था। अब वो इंसान इस ट्रक ड्राइवर के और पास आया, हालांकि अभी भी 5-6 फीट की दूरी पर था। उसने एक बार फिर से कहा कि मैं तुमसे बात कर रहा हूं, क्या तुम्हें हेल्प की जरूरत है? अब इस पॉइंट पर आकर ये जो ट्रक ड्राइवर था जो कि खड़ा हुआ था वहां पर, वो पीछे पलटा, उसने इस व्यक्ति की तरफ देखा। लेकिन उस ट्रक ड्राइवर के हाव भाव देखकर अब ये जो व्यक्ति था उसको बहुत ज्यादा अजीब लगा। उसे लग रहा था कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। वो थोड़ा सा एक दो कदम पीछे हट गया। अब ये जो ट्रक ड्राइवर था वो लगातार उस व्यक्ति को घूरता जा रहा था। उसने अपना मुंह खोला जैसे कि वो बोलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन उसके बाद वो अपना मुंह खोलता ही चला गया। उसने अपना मुंह पूरी तरह से खोल लिया और उसके बाद अपना निचला जबड़ा उसने हिलाना शुरू कर दिया। पता नहीं वो क्या अजीब से मूवमेंट्स कर रहा था, बहुत तेजी से वो अपना जबड़ा हिला रहा था। उसके बाद उसने अपने दांत किटकिटाना शुरू कर दिया, कभी वो जबड़ा हिला रहा था, कभी अपने दांत किटकिटा रहा था। अब ये जो व्यक्ति था इसको देखकर बहुत ज्यादा घबरा गया। वो समझ गया कि इस व्यक्ति के साथ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब वो व्यक्ति तुरंत ही वापस पलट के अपनी फैमिली की तरफ जाने लगा, लेकिन वहां से जाने से पहले ये जो ट्रक ड्राइवर था इसने अपना मुंह बंद किया और सिर्फ एक सेंटेंस कहा। ये सेंटेंस था, आई डिडंट डू इट, दे डिड इट, यानी कि ऐसा मैंने नहीं किया, ऐसा उन्होंने किया है। जैसे ही उस व्यक्ति ने सुना वो समझ गए कि ये बहुत ही अजीब व्यक्ति है, ये कुछ भी कर सकता है। वो वहां से पलटे अपनी फैमिली की तरफ भागे। उन्होंने फैमिली को दूर से ही कहा कि सामान समेटो, गाड़ी में बैठो। फैमिली भी समझ गई थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, सबने फटाफट सामान समेटा, गाड़ी में बैठे और वहां से तुरंत निकल गए। घर आने के बाद इन लोगों ने पुलिस को फोन किया, बताया कि एक ट्रक वहां पर फंसा हुआ है, वहां पर एक अजीब सा व्यक्ति है। अब कोकोनिनो काउंटी के शेरिफ डिपार्टमेंट के कुछ ऑफिसर्स उस जगह पर पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उन्हें वो जगह मिली जहां पर वो ट्रक था, लेकिन उन्होंने पाया कि उस मैडो में वाकई में एक ट्रक फंसा हुआ था, लेकिन वहां पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था। अब ये जो ऑफिसर्स थे उन्होंने ट्रक के अंदर झांक कर देखा, लेकिन जहां पर ड्राइवर वगैरह बैठते हैं वो एरिया पूरी तरह से लॉक था, वो उसको नहीं खोल पाए, लेकिन उसके अंदर कोई भी मौजूद नहीं था क्योंकि उन्होंने खिड़कियों से झांक कर देख लिया था। अब वो पीछे की तरफ गए उस जगह पर जहां पर पूरा का पूरा सामान लदा हुआ था, सब्जियां लदी हुई थी। उन्होंने पाया कि जो ट्रक था वो अभी भी चल रहा था। उन्होंने जब पीछे के हिस्से को खोला तो वो लॉक्ड नहीं था। अब इन लोगों ने ट्रक को खोलकर देखा तो पाया कि उसके अंदर बहुत सारी स्ट्रॉबेरीज, लेटस वगैरह लदा हुआ था और जो रेफ्रिजरेशन यूनिट थी वो अभी भी चल रही थी। अब जब इन्हें यहाँ पर कोई भी व्यक्ति नहीं दिखा तो इन लोगों ने उसकी जो लाइसेंस प्लेट का नंबर था उसको रन किया। वो देखना चाहते थे कि क्या इस ट्रक की कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है, लेकिन वहां पर कोई भी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं थी, ना तो ट्रक की ना ट्रक ड्राइवर की। क्योंकि जिस दिन डेविन को अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचना था यानी कि मंडे को, ये उससे एक दिन पहले की बात थी, तो अभी तक तो किसी को पता ही नहीं था कि इस ट्रक के साथ या ट्रक ड्राइवर के साथ क्या हो रहा है। तो जब उन्हें कोई भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस में नहीं मिली तो इन लोगों ने टो टीम को बुलाया और इस ट्रक को टो करके वहां से हटवा दिया गया। फिर इसके 24 आवर्स के बाद डेविन के और ट्रक की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज की गई थी और तब कोकोनिनो काउंटी के शेरिफ्स को पता चला था कि हाँ, ये वही ट्रक है जिसकी कंप्लेंट अब हमारे पास आई है। तब उन्होंने कैंसस में फोन किया था, उनको बताया था कि हमें डेविन का ट्रक मिला है, लेकिन डेविन की कोई भी जानकारी नहीं है। अब जब सबको पता चला कि इसका ट्रक टोंटो नेशनल फॉरेस्ट में मिला है तो ये बहुत ही अजीब सी बात थी। डेविन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, बिल्कुल भी लापरवाह नहीं था। ये एक तरह से इम्पॉसिबल बात लगती थी कि डेविन अपना ट्रक लेकर एक फॉरेस्ट में घुस जाएगा, लेकिन जो लिन और जैक थे इन्होंने ट्रक को वहां पर बिल्कुल फुल स्पीड में आते हुए देखा था, जाते हुए देखा था। इसके अलावा उस व्यक्ति की झलक भी देखी थी। जब इन लोगों को उसकी फोटो दिखाई गई यानी डेविन की फोटो, तो उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति बिल्कुल इसके जैसा ही लगता था। किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस ने यह भी अंदाजा लगाया कि शायद वो भाग गया है, लेकिन वो कहाँ भागता? वो अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसको तो अपने घर जाना था। अगर उसको भागना ही होता तो अपनी फैमिली के पास ही लौट कर आता, अपनी फैमिली को वो बहुत ज्यादा केयर करता था। अब पुलिस वाले सोचने लगे कि शायद डेविन कहीं और भाग गया होगा, लेकिन ये थ्योरी बिल्कुल भी एडअप नहीं हो रही थी। डेविन का कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, अपनी वाइफ के साथ बच्चों के साथ संबंध बहुत अच्छे थे, उसका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं था। इसके अलावा वो फाइनेंशियली स्ट्रांग था, उसने अभी अभी घर खरीदा था।
उसकी जिंदगी में देखा जाए तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। वो तो बस कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमा रहा था अपने घर को सही करने के लिए, अपनी फैमिली को खुश करने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं था कि वो जिंदगी में स्ट्रगल कर रहा था कि उनको खाना नहीं मिल रहा है या कोई बहुत ज्यादा बड़े फाइनेंशियल इश्यूज हैं। सब कुछ उनकी जिंदगी में बढ़िया था। अब इनको लगा कि कहीं डेविन को किडनैप ना कर लिया गया हो। लेकिन डेविन को किडनैप करना भी एक बहुत ही अजीब सी बात थी, क्योंकि वो एक लंबा चौड़ा व्यक्ति था, जैसे कि मैंने आपको बताया। वो एक रफ एंड टफ ट्रक ड्राइवर था, स्ट्रांग था। एक इस तरह के व्यक्ति को कोई क्यों किडनैप करेगा? इसके अलावा जो डेविन था उसको कोई भी मेडिकल इश्यू नहीं था, कोई मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं थी, कोई न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मैलिटीज नहीं थी, उसने कभी कोई ड्रग्स नहीं ली थी। क्योंकि जो ट्रक ड्राइवर्स होते हैं स्पेशली विदेशों में, उनके ड्रग टेस्ट कराए जाते हैं बीच बीच में, अचानक अचानक से उनके ड्रग टेस्ट लिए जाते हैं। वो हमेशा ड्रग टेस्ट में पास होता था क्योंकि वो ड्रग्स नहीं लेता था। बेसिकली वो एक बहुत ही अच्छा और सुलझा हुआ इंसान था। इस तरह से उसके भाग जाने का या इस तरह की हरकतें करने का कोई मतलब नहीं था। अब पुलिस वालों ने टोंटो नेशनल फॉरेस्ट के अंदर एक बहुत बड़ी, एक बहुत मैसिव सर्च करवाई, लेकिन उन्हें डेविन की कोई खोज खबर नहीं मिली। बाद में जो जैक और लिन नाम के कपल जो कि उस फॉरेस्ट के अंदर कैंप लगाकर रह रहे थे, उन्होंने बताया कि कुछ समय के बाद उन्होंने एक व्यक्ति को नंगे पैर घूमता हुआ वहां पर देखा था। वो रोड में ऊपर नीचे घूम रहा था। ये लोग वहां से निकलने वाले थे और तब इन्होंने गाड़ी रोककर ये भी पूछा कि क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत है। और तब इस व्यक्ति ने एक पत्थर उठाया और उनकी कार की तरफ फेंका। अब इन लोगों को लगा कि शायद ये कोई मेंटली डिस्टर्ब्ड व्यक्ति है। उनको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये वही ट्रक ड्राइवर है जो कि कुछ समय पहले इस ट्रक को लेकर यहाँ पर घूम रहा था। जिस समय इन्होंने इस व्यक्ति को नंगे पैर घूमते यहाँ पर देखा, वो मंडे मॉर्निंग का समय था। यानी कि इन्होंने ट्रक तो एक दिन पहले देखा था संडे को, और जो ट्रक ड्राइवर था यानी कि डेविन, वो अगले दिन वहां पर नंगे पैर घूम रहा था। पुलिस वाले उस पूरे एरिया में डेविन को अच्छी तरीके से ढूंढते रहे, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं मिला। करीब 3 वीक्स तक, 3 हफ्ते तक ये सर्च चलती रही, लेकिन जब डेविन पुलिस वालों को नहीं मिला तो इन्होंने 2 मई 1997 को ये सर्च बंद करा दी। और उसके बाद 2 साल बीत गए। 2 सालों में भी डेविन की कोई खबर नहीं मिली। लगातार उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज रही। लेकिन 2 सालों के बाद एक दिन दो हाइकर्स वहां से गुजर रहे थे, इसी ट्रेल से गुजर रहे थे। वो फिलहाल उसी सेम एरिया से गुजर रहे थे जहां पर 2 साल पहले पुलिस ने डेविन की अच्छी खासी तलाश की थी। ये लोग अपनी कार में बैठकर वहां से गुजर ही रहे थे, तभी अचानक इन्हें सड़क के बीचों बीच यानी उस ट्रेल के बीचों बीच एक सफेद रंग की चीज नजर आई। इनको बड़ा अजीब सा लगा कि ये बीच में क्या पड़ा है। उन्होंने अपनी गाड़ी रोकी। वो जब उतरे तो उन्होंने पाया कि ये जो सफेद रंग की चीज थी, ये बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सुरक्षित हालत में एक ह्यूमन स्कल था, यानी कि एक मानव खोपड़ी थी जो कि बिल्कुल भी टूटी फूटी नहीं थी, एकदम सही सलामत वहां पे रखी हुई थी। लेकिन वहां पर कोई भी स्केलेटन, कोई कंकाल नहीं था, केवल स्कल था और सड़क के बीचों बीच रखा हुआ था। अब इन लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये क्या देख रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या ये एक रियल ह्यूमन स्कल है। इसके बाद इन्होंने पुलिस वालों को फोन किया। पुलिस वाले वहां पर आए, इन्होंने इस स्कल को जब्त किया और जब वापस लेके गए और उसकी डीएनए टेस्टिंग कराई गई तो पता चला कि ये जो स्कल है ये डेविन विलियम्स का था। लेकिन आज तक कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया है कि एक्चुअल में डेविन के साथ क्या हुआ होगा। कुछ लोगों का मानना है कि उसका दिमाग खराब हो गया था, उसको कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो गई थी, इस कारण से वो इस जंगल में कहीं खो गया और 2 सालों तक वो वहां गायब रहा होगा, इसी बीच कभी उसकी मौत हो गई होगी और इस कारण से उसका स्कल वहां से मिला। लेकिन ये जो स्कल सड़क के बीचों बीच मिला बिल्कुल साफ सुथरी हालत में, वहां कोई स्केलेटन नहीं है, उसका कोई रीजन समझ में नहीं आ रहा था। इसके अलावा लोग ये भी मानते हैं कि डेविन किसी तरह की कोई ड्रग्स ले रहा होगा, इसी कारण वो भाग गया होगा। लेकिन उसका स्कल सड़क के बीचों बीच मिलने की कोई भी थ्योरी समझ में नहीं आ रही है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि शायद कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई उसके साथ, या फिर उसे एलियंस मिल गए होंगे, किसी तरह से एलियंस के कांटेक्ट में वो आ गया होगा, वो लोग उसको शायद किडनैप करके ले गए होंगे, बाद में उस पर रिसर्च वगैरह करके वो उसके स्कल को वहां पर फेंक कर चले गए होंगे, जो भी रीजन होगा। लेकिन उसकी मौत का ना तो कोई कारण समझ में आया और ना ही कोई थ्योरी समझ में आई कि पिछले 2 सालों से या जब तक उसकी मौत नहीं हुई तब तक वो आखिर था कहाँ। तो फिलहाल के लिए इतना ही। प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि उसके साथ क्या हुआ होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हो सके तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा। जाते जाते मैं अपने सब्सक्राइबर असलम मिर्जा जी को शाउट आउट देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच असलम मिर्जा जी कि आपने मेरी स्टोरीज को देखा, उन्हें पसंद किया। इसी तरीके से स्टोरीज को देखते रहिए, शेयर करते रहिए।
थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज. थैंक यू सो मच.